इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की। आईसीसी की इस ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पीछे छोड़कर ये पहला स्थान हासिल किया। मार्नस लाबुशेन ने 912 पॉइंट के साथ नंबर वन की पोजीशन पर कब्जा किया, जो उनके टेस्ट करियर के बेस्ट पॉइंट हैं। जो रूट के 897 पॉइंट हैं और वो दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। आपको बता दें, एशियज सीरीज से पहले लाबुशेन चौथे नंबर पर थे, लेकिन एशियज में अब तक खेले गए दो मैचों में उन्होंने 74 और 51 रनों की जरूरी पारी खेली, जिसका फल उन्हें रैंकिंग में ऊपर आकर मिल रहा है। वहीं भारत के बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा पांचवें नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली सातवें नंबर पर खिसक गए हैं। उनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। वार्नर का भी इस एशियज सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा है। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने शानदार 95 रन बनाए थे। गेंदबाजों की बात करें तो आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और टेस्ट टीम के नए कप्तान पैट कमिंस अभी भी टॉप पर हैं। उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेला, बावजूद वो टॉप पर बने हुए हैं, जबकि भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। अश्विन टेस्ट के टॉप 10 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर हैं, जहां तीसरे नंबर पर भी टीम इंडिया के रविंद्र जडेजा हैं।